अगर आपके चैनल का लोगो अच्छा नहीं है तो आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके यूट्यूब चैनल पर कोई भी आता है, कोई भी यूट्यूबर अगर आपका यूट्यूब चैनल ओपन करके देखता है, तो सबसे पहले उसके सामने आता है आपका लोगो। अगर आपका लोगो अच्छा नहीं होता तो बहुत से यूट्यूबर्स या बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं हर किसी को नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते क्योंकि आपका लोगो अच्छा नहीं होता, या आप अपनी वहाँ पर पिक डाल देते हैं तो बहुत से लोग आपको नहीं जानते, इस कारण भी लोग आपको सब्सक्राइब नहीं करते। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अच्छा लोगो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ जाना है अपन को मोबाइल पे, पिक आर्ट को अपने मोबाइल पे ओपन कर लेना है। फिर यहाँ आने के बाद आपको एडिट अ फोटो पे क्लिक करना है। पिक आर्ट ओपन करने के बाद फिर आपको बैकग्राउंड्स पर आ जाना है। यहाँ पर हम बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये खाली एरिया जो रहता है, जो मतलब कि कोई सा बैकग्राउंड नहीं रहता, हम उसे सेलेक्ट करेंगे। तो ये सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको करना क्या है, लोगो बनाने के लिए टेक्स्ट पर आ जाना है। तो अपन आ जाते हैं टेक्स्ट पर। टेक्स्ट पर आने के बाद आपको करना ये है कि आपका जो स्टार्टिंग का नेम वर्ड है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। और फिर उसके बाद आपको करना ये है कि आपको यहाँ से फंड सेलेक्ट कर लेना है। तो आप फंड देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से रख सकते हो। तो मुझे ये वाला फंड अच्छा लग रहा है तो मैंने ये रख लिया हूँ। फिर उसके बाद हमें इसे बीचों बीच अच्छे से सेट कर देना है। तो फाइनली हमने इसे भी अच्छे से सेट कर दिया है। फिर अपन को फिर से टेक्स्ट पे आ जाना है। फिर यहाँ पे मैं आर लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा नाम आता है सरनेम का, इसलिए मैं आर लिख रहा हूँ। बाकी आप ये अपने हिसाब से लगा सकते हो, जो भी आपको वर्ड्स लगाने हैं। तो फिर हम आर को जस्ट ऐसे थोड़ा सा नीचे सेट करेंगे। तो इसे थोड़ा नीचे सेट करते हैं और थोड़ा इसे बड़ा भी कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैंने सेट कर दिया हूँ। उसके बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो अपन को कलर्स पे आ जाना है। कलर्स पर आने के बाद अपन को टेक्सचर पर आ जाना है। फिर कैलरी वाले जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करूँगा मैं। और यहाँ पे मैंने एक कलर पहले से सेलेक्ट करके रखा हूँ, तो आप भी अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैंने गोल्डन कलर सेलेक्ट करके रखा था, पहले से सोच के रखा था ये कलर लगाऊंगा। फिर उसकी शेडोज़ को अपन थोड़ा डार्क कर लेंगे। तो इस टेक्स का शेडोज़ को अपन थोड़ा डार्क कर लेंगे। आर में भी अपन को ऐसे ही करना है। फिर अपन को क्या करना है, कलर पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर सेलेक्ट करने के बाद अपन को थोड़ा इसकी जो आउटलाइनिंग है उसको थोड़ा ब्लैक में डार्क कर लेंगे। फिर इसमें शेडोज़ को भी डार्क कर लेंगे, शेडोज़ को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने फाइनली कलर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर अपन को टेक्स्ट्स पे आ जाना है। फिर अपन को अपना पूरा नाम टाइप कर देना है। तो मैं अपना यहाँ पर नाम टाइप करूँगा सबसे पहले, तो मैं लिख लेता हूँ समीर राठौर। तो ये नाम टाइप करने के बाद फिर अपन को करना ये है कि इसे नीचे की ओर सेट कर देना है, जहाँ पे एस आर लिखा है। तो नीचे फाइनली हम इसे सेट कर देते हैं। तो चलिए पहले इसे सेट करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे अपन को कौन सा फंड अच्छा लग रहा है, फिर अपन फंड सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमने सेट कर दिया। फिर फंड सेलेक्ट करते हैं, जो फंड अच्छा लगेगा वही फंड पे अपन इसे लिखे रहने देंगे। तो फंड फाइनली ये अच्छा लग रहा है। तो फिर उसके बाद अपन को स्टिकर्स पर आना है। तो स्टिकर पर आने के बाद यहाँ पर अपन को सर्च करना है। तो यहाँ पे हमें क्या सर्च करना है वो बताता हूँ। तो यहाँ पे अपन को सर्च करना है सर्कल विंडो। तो सर्कल विंडो ये अपने सामने ही लिखा, तो अपन इसी पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली जो गोल्डन विंडो है इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सर्कल विंडो हमने एक सेलेक्ट कर लिए हैं। तो फिर अपन को विंडो को बड़ा करना है, जितने भी अपने टैग्स हैं इसके अंदर ही आए, इससे बाहर ना जाएँ। तो इसे हल्का सा बड़ा कर लेते हैं, अच्छे से सेट कर देते हैं पहले इसे। तो फाइनली ये सेट हो गया। उसके बाद अपन को यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करना है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं बैकग्राउंड पर। बैकग्राउंड पे आने के बाद एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। तो इसे सर्कल के बराबर पर रख लेना है, जितना बड़ा अपना सर्कल है इसी के बराबर अपन को रख लेना है। फिर अपन को सबसे साइड पर आ जाना है, फ्री क्रॉप पर। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको फ्री क्रॉप पे आने के बाद आपको शेप वाले ऑप्शन पर आ जाना है, और सर्कल वाला शेप आपको यहाँ पे ले लेना है। और ऊपर जो चेक वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इससे होगा ये कि आपका जो बैकग्राउंड है ब्लैक कलर का वो सर्कल के आकार का हो जाएगा। फिर आपको ऊपर की तरफ जो डबल बॉक्स दिखेंगे अपन को उस पर क्लिक करने के बाद मूव डाउन पर क्लिक कर देना 2 से 3 बार, जो भी अपने टेक्सेस होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपना बैकग्राउंड का कलर भी ब्लैक हो जाएगा, तो ये अच्छा लगेगा। फिर आपको स्टिकर पर क्लिक कर देना है। स्टिकर पे इसलिए क्लिक करना है क्योंकि अपन को यहाँ से एक ब्लैक शैडो चाहिए होगी जो कि अपने लोगो पर बहुत अच्छी लगेगी। तो एक ब्लैक लाइन सर्च करना, फिर आपको ये शैडो वाली जो ब्लैक लाइन दिख रही है इसको ले लेना है। ये लेने के बाद आपको करना ये है कि इसे अपने लोगो के बीच में थोड़ा सेट करना। ब्लैक लाइन जो रहेगी वो थोड़ी अच्छी दिखेगी अपने
टैक्स के बीच में, तो इसे थोड़ा टेढ़ा कर लेना है, और टेढ़ा करने के बाद थोड़ा इसे हल्का सा लंबा कर देना है। ये सर्कल के बाहर इसकी शेडो ना जाए, ये सर्कल के अंदर ही रहे, तो ये ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा और टेढ़ा करते हैं, फिर देखते हैं ये कैसा लग रहा है। तो ऐसे अपन इसे सेट कर लेते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। फ्रेंड्स, अपना लोगो बनकर तैयार है। तो कितना अच्छा अपना लोगो दिख रहा है, आप खुद देख सकते हैं। फिर अपन को इसे सेव करना है अपने मोबाइल पे, तो आपको ऊपर जो राइट वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको एक एरो वाला ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको जो सेव वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपकी गैलरी पे आपका लोगो सेव हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।